Hello students, welcome to CR International School Online Study System. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics. Chapter 8 हमारा चल रहा था short run equilibrium output. मैंने आपको बताया था yesterday video में कि जो equilibrium होता है macro economics में वो उसके दो approach आपके पास होते हैं to find out the equilibrium. पहला approach था आपका AD and AS approach जो हमने yesterday वाली video में पूरा finish हमने कर दिया. हमने आपको बता दिया था कि इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब भी हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है. तो वो था आपका ADNAS अप्रोच. अब आपका सेकंड अप्रोच आ रहा है S एंड I अप्रोच. S एंड I AD और AS से ही आया था, आपको ध्यान हो तो. ठीक है, AS का मतलब होता है लेवल ऑफ इनकम. AD के दो कंपोनेंट C प्लस I होते हैं. ठीक है, फिर जो इनकम होता है उसके दो कंपोनेंट C प्लस S होते हैं. इनकम या तो कंज्यूम होती है या फिर सेव होती है. तो C प्लस S, तो C से C कैंसिल हो गया था. S इज इक्वल टू I अप्रोच आपके सामने बचा था, यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो S फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, तो जो S फंक्शन होता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है सीधा इनकम के साथ. ठीक है, S इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. ठीक है, सेविंग जब आपकी ज़्यादा होती है तो फिर आप सेव करना शुरू करते हो. इनकम और सेविंग में डेफिनेटली कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कैसी रिलेशनशिप है, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इट मीन्स इफ इनकम इज इंक्रीज्ड सेविंग इज आल्सो इंक्रीज, इफ इनकम इज डिक्रीज सेविंग इज आल्सो डिक्रीज, एंड इफ इनकम इज जीरो और इनकम कैन बी लो एट लोअर लेवल ऑफ इनकम. देखिए, लोअर लेवल ऑफ इनकम पर लो लेवल ऑफ सेविंग ही होता है और इनकम इतनी ज्यादा लो भी हो जाते हैं कई बार कि जो सेविंग है आपकी वो नेगेटिव हो जाती है. कैसे हो जाती है, सेविंग हमारी नेगेटिव हो जाती है. तो इसीलिए जो सेविंग फंक्शन होता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ. ठीक है, इनकम और एफ में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इफ इनकम इज इंक्रीज सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीज, एंड एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. सेविंग आपकी कैसी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. ठीक है, क्योंकि कंजप्शन आपका ज्यादा हो जाता है. सी इज ग्रेटर देन इनकम आपका जब हो जाता है, इफ सी इज मोर देन इनकम देन सेविंग कैन बी नेगेटिव. तो ये था आपका सेविंग फंक्शन. ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए आई फंक्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन पर. इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर इट इज अज्यूम टू बी एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दैट इन्वेस्टमेंट होती है विच हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ इनकम. इट हैज नो रिलेशन, कोई किसी तरह का संबंध नहीं है इसमें विद द लेवल ऑफ इनकम, इनकम के साथ. ठीक है, इनकम के साथ कोई भी किसी तरह का संबंध यहाँ पर नहीं है. सो आई इज अज्यूम टू बी ऑटोनोमस. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. एट एनी लेवल ऑफ इनकम इट विल रिमेन्स द सेम. इनकम का लेवल अगर जीरो है तो भी उतना ही रहेगा. इनकम अगर आपकी 100 हो जाती है तो भी उतना ही रहेगा. इसीलिए जो आई यहाँ पर है ये ऑटोनोमस है. तो अगर आपको एक आई की टेबल चाहिए तो आप ले सकते हो इजिली. ठीक है, दैट इज अ लेवल ऑफ इनकम, दैट इज अ लेवल ऑफ आई. इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम विच इज 10. ठीक है, 20 पर भी 10 हो जाएगा आपका, 40 पर भी 10 है, 60 पर भी 10 है और 80 पर भी 10 ही रहेगा. ठीक है, सेविंग फंक्शन आपको लेना है भाई, आपको पता है. ठीक है, सेविंग जो होता है कंजप्शन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है. ठीक है, तो अगर आपको सेविंग फंक्शन चाहिए तो आपको इस तरह से इनकम कंजप्शन और एस, एस क्या होता है वाई माइनस सी. ठीक है, ये आपका होता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होती है, यानी कि सेविंग आपकी हो गई नेगेटिव. ठीक है, 20 से अगर इंक्रीज करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, माइनस 10 आपकी हो जाएगी. 40 करते हैं तो ये 40 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. 60 पर 50 हो जाएगा, 10 हो जाएगा. 80 पर 60 हो जाएगा और 20 हो जाएगा. तो इस तरह से आप ये सेविंग फंक्शन ले सकते हो. तो ये था आपका एस फंक्शन, ये था आपका आई फंक्शन. अब हम एस आई फंक्शन बताने के बाद, ठीक है, सेविंग फंक्शन में फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग होती है जो कि पॉजिटिव है. यहाँ पर रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट जो कि निल है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस. तो कोई किसी तरह की रिलेशनशिप है ही नहीं. तो यहाँ पर जो आई है इट विल रिमेन सेम एट एनी लेवल ऑफ इनकम बिकॉज इट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, राइट.
तो ये दोनों थे फंक्शन। अब हम देखते हैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, एस एंड आई अप्रोच से ही अब हम देख लेते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी, ठीक है। तो अब यहां पर आपका टॉपिक आ रहा है एस एंड आई अप्रोच का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो आपको पता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दो तरह से हम दिखाते हैं हमेशा, एक तो शेड्यूल के जरिए और एक कर्व के जरिए, ठीक है, यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन आपके सामने पहले आ रही है इक्विलिब्रियम जीडीपी की, तो मैं यहां लिख देता हूं इक्विलिब्रियम जीडीपी, ब्रैकेट में डालता हूं एस इज इक्वल टू आई अप्रोच से। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी आपके पास आ रही है, देखिए, ठीक है, केयरफुली। सबसे पहले हम लेंगे लेवल ऑफ इनकम, यानी कि लेवल ऑफ वाई, फिर मैं लूंगा सी, ठीक है, कंजप्शन, कंजप्शन से मेरा आ जाएगा एस, क्योंकि एस क्या होता है वाई माइनस सी, और लास्ट में मैं लूंगा आई का लेवल, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को मैं रखूंगा सेम एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि हम यहां पर कौन सी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, विच इज रिमेन सेम, इट हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ इनकम, वट एवर द लेवल ऑफ इनकम इट इज, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आई मैंने 10 10 10 ले दिया, आप कुछ भी ले सकते हो, डाटाज हैं, टेबल है, आप अपनी मर्जी से एक नई टेबल भी बना सकते हो, या जो बुक में जो टेबल दे रखे उसको भी आप यूज कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट माइंड में रखना है। जियो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होती है, मैं हमेशा 20 लेके आपको बताता हूँ, तो इस टेबल में मैं 20 ही लूंगा, बुक में आप देख लीजिए जो ले रखा होगा उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट या मैनेज कर लीजिएगा। सेविंग वाई माइनस सी, इनकम में से जब मैं कंजप्शन घटा दूं तो जो बचता है वो सेविंग होता है, इनकम मेरी कुछ थी नहीं, कंजप्शन मैंने 20 का कर दिया, कहां से क्या होगा, पास सेविंग से, यानी कि नेगेटिव सेविंग है ये। इनकम मैं 20 से इंक्रीज कर लेता हूं 20 40 ठीक है 60 80 एंड 100 ठीक है। सी को मैं 10 से इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कि एमपीसी हमारी 0.5 है, यानी जो इनकम एडिशनल आप कमा रहे हो उसका आधा खर्च हो रहा है, आधा सेव हो रहा है, तो एमपीसी इज 0.5, हाफ हाफ हम खर्च करेंगे। तो 20 आपने कमाया, 20 का आप 10 खर्च करोगे, तो 10 ये खर्च हुआ, 20 आपका रहता है, ये कितना हो गया 30, फिर से 10 खर्च करोगे 40 50 60 एंड 70 ठीक है, ये आपका हो गया। सेविंग निकालिए y माइनस c, माइनस 10 आपका आया, 0 आपका आया, ठीक है, 10 आया, 20 आया, 30 आया। अब देख लीजिए s इज इक्वल टू i अप्रोच में, जहां पर ये s i के इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम। तो i है आपका 10 10 10 हर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर s आपको 10 दिखाई दे रहा है दैट विल बी द फाइनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो s आपको 10 देख लीजिए इस पॉइंट पर दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा है S इज इक्वल टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आपका एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो गया। तो ये जो Y आपकी है दैट इज इक्विलिब्रियम जीडीपी, ये क्या हो गई आपकी इक्विलिब्रियम जीडीपी। तो यहां अगर मुझे बताना पड़ जाए व्हाट इज इक्विलिब्रियम जीडीपी, तो यहां पर इक्विलिब्रियम जीडीपी आपकी 60। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम जीडीपी हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 60 आ चुकी है, दैट इज द पॉइंट ऑफ जीडीपी वेयर एस इज इक्वल टू आई। देखिए एस 10 है आपका एंड आई भी आपका 10 है। तो ये था आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। अब आ जाइए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, ये देखिए, दिस इज द वाई एक्स, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। यहां पर हम लेंगे लेवल ऑफ इनकम और यहां पर हम लेंगे बेसिकली आई भी यहां पर लेंगे और एस भी यहां पर लेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 0 एंड 0, राइट। इनकम ले लीजिए 20 40 60 80 एंड 100, ठीक है। सेविंग ले लीजिए 10 20 30 40, इनाफ है, -10 -20 -30, ठीक है, यहां तक आपने ले लिया। अब क्योंकि I का तो आपको पता है इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, 10 है, 0 पर भी 10, 20 पर भी 10, 40 पर भी 10, 60 पर भी 10, 80 पर भी 10 एंड 100 पर भी 10, क्यों, क्योंकि I हमने अज्यूम किया है इट इज अ ऑटोनोमस I, तो I बार है ये,
autonomous I which is equal to 10, which is equal to 10. सेविंग अब आप देख लीजिए एफ, एफ को उठा लीजिए, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर था माइनस 20, 20 पर था माइनस 10, ठीक है, 40 पर थी एस आपकी 0, 60 पर थी एस आपकी 10, फिर 20 एंड फिर 30. तो इस तरह से थी आपकी सेविंग कर्व एफ, ठीक है, ये है आपकी एस कर्व यानी कि सेविंग कर्व. तो जहां पर ये एस और आई एक दूसरे के इक्वल है, देखिए दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर 60, तो ये आपकी है इक्विलिब्रियम जीडीपी. इक्विलिब्रियम जीडीपी इज इक्वल टू 60, ठीक है, ये आपकी है इक्विलिब्रियम जीडीपी इज इक्वल टू 60, वेयर एस इज इक्वल टू आई, जहां पर एस आई के इक्वल है. इस पॉइंट पर दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका है, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या है बेसिकली, ठीक है, इस पॉइंट पर I इज ग्रेटर देन S है, और ये जो पॉइंट आपका रह गया इस पर S इज ग्रेटर देन I है, ठीक है. तो ये दोनों डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट है. इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है आपका 60, जहां पर S इज इक्वल टू I है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ जीडीपी आपका बन जाएगा, ठीक है. तो सेविंग आपकी यहाँ पर 10 है. आपने देखा कि सारी की सारी इनकम, द होल इनकम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन, सारी की सारी इनकम आपकी कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है. सारी की सारी इनकम कन्वर्ट नहीं हुई, इट मींस पीपल स्टार्टिंग ए पार्ट ऑफ देयर इनकम बाय सेविंग, लोगों ने अपना एक हिस्सा सेव करना शुरू कर दिया, और ये जो 10 रुपए एक्ट थे जो लोगों ने सेव किए, ठीक है, प्रोड्यूसर ने या गवर्नमेंट ने उस 10 रुपए को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है. तो सेविंग मेड बाय द पीपल इज कंपनसेटेड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट. तो लोगों ने जो सेविंग करी उसे कंपनसेट कर दिया गया किससे, आई से, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है. तो इस तरह से क्या हुआ फिर, एस इज इक्वल टू आपका आई हो गया, ठीक है, और हमें इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया. तो ये था आपका इक्विलिब्रियम थ्रू एस एंड आई अप्रोच. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट हैपन इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, यानी कि What happen if S is more than I, यानी कि saving आपकी more than investment हो जाए, ठीक है, यानी कि fall in expenditure through saving is more than the rise in expenditure through investment. Remember, fall in expenditure through saving is more than the rise in expenditure through I. ये वो same case है जो हमने AS is more than AD में पढ़ा था, यानी कि AS ज़्यादा है और AD कम है. कैसे? सेविंग क्या होती है, जो हम एक पार्ट ऑफ इनकम सेव करते हैं, यानी अब यहाँ पर हो क्या रहा है, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं और सेविंग ज्यादा कर रहे हैं. जब लोग सेव करना शुरू कर देंगे तो वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम है, प्लांट एक्सपेंडिचर कम है, लेकिन प्रोड्यूसर ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है भाई, ठीक है, प्रोड्यूसर ने ज्यादा प्रोडक्शन किया हुआ है. तो सेम वही सिचुएशन अराइज हो गई जब एएस इज मोर देन एडी था, एएस इज मोर देन एडी था, बिकॉज सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट. लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, सेव ज्यादा करेंगे तो खर्चा कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो व्हाट विल प्रोड्यूसर डू, प्रोड्यूसर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, डिमांड कम कर रहे हैं लोग तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ही विल सिंपली कट इन द प्रोडक्शन नेक्स्ट टाइम. कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन मैंने लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर विल कट इन द प्रोडक्शन नेक्स्ट टाइम, प्रोडक्शन को वो अगली बार कट करेगा, प्रोडक्शन कम होगा, आउटपुट कम होगा, इनकम का जनरेशन कम होगा, इनकम कम जनरेट होगी तो सेविंग भी आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. लो इनकम लो सेविंग, हाई इनकम हाई सेविंग. तो जैसे ही प्रोड्यूसर कट करेगा अपना प्रोडक्शन में तो इनकम विल स्टार्टिंग टू डिक्रीज, इनकम कम होगी तो लोग सेव भी कम करना शुरू कर देंगे और सेविंग घटनी शुरू हो जाएगी, और सेविंग जब तक घटती रहेगी जब तक अगेन इकोनॉमी पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, यानी कि एस इज इक्वल टू आई ना हो जाए, जब तक आपकी सेविंग घटती रहेगी. तो ये था पहला पॉइंट कि व्हेन एस इज मोर देन आई तो क्या होगा. तो एस इज मोर देन आई है, सेविंग ज्यादा है, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं,
खर्चा कम करेंगे भाई तो प्रोड्यूसर का जो एक्स्ट्रा स्टॉक जो उसने बनाया हुआ है वो लॉस होगा, अनडिजायर्ड स्टॉक आएगा, प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचेगा, उस नुकसान से बचने के लिए नेक्स्ट टाइम ही विल रिड्यूस द प्रोडक्शन, ही विल कट इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कट करेगा, प्रोडक्शन के कट होने से इनकम में कमी आएगी, इनकम कम होगी लोगों की तो लोग सेविंग भी कम करना शुरू करेंगे, सेविंग घटनी शुरू हो जाएगी और सेविंग जब तक घटती रहेगी जब तक एस इज इक्वल टू आई ना पहुंच जाए, फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखिए, व्हाट हैपन इफ एस इज लेस देन आई, एस कम है यानी कि सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ये वही केस हो गया वेयर एस इज लेस देन एडी, ठीक है, एस इज लेस देन एडी, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो सेविंग कम है इसका मतलब लोग सेव बहुत कम कर रहे हैं, सेव कम कर रहे होंगे यानी कि डिमांड यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि प्लांट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे होंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे भाई तो डिमांड विल स्टार्टिंग टू इंक्रीज, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, प्रोड्यूसर ने इतना स्टॉक बनाया हुआ नहीं तो अगेन किसका लॉस होगा फिर, हेयर द लॉस ऑफ प्रोड्यूसर, लॉस ऑफ प्रोड्यूसर फॉर नॉट फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ पीपल, नॉट फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ पीपल, तो अगेन यहाँ पर प्रोड्यूसर का ही लॉस होगा क्योंकि लोग सेव बहुत कम कर रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग, डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं जबकि प्रोड्यूसर ने इतना सप्लाई की नहीं थी, एग्रीगेट सप्लाई कम थी प्रोड्यूसर की, सो प्रोड्यूसर विल सफर द लॉस फॉर नॉट फुलफिलिंग द आउटपुट, देन व्हाट विल ही डू नेक्स्ट टाइम, सो कंक्लूजन इज दैट नेक्स्ट टाइम ही वुड प्लान फॉर ग्रेटर आउटपुट, तो नेक्स्ट टाइम He would increase the production. He would increase the production. तो production को वो बढ़ा देगा simply. Production बढ़ेगा, output बढ़ेगा, income भरनी शुरू होगी. Income भरने से लोग saving बढ़ाना शुरू करेंगे. जो saving less थी आपकी आई से वो भरना शुरू होगी. जो सेविंग आपकी कम थी इन्वेस्टमेंट से वो भरना शुरू होगी और जब तक बढ़ती रहेगी जब तक फिर से इक्विलिब्रियम रिस्टोर ना हो जाए यानी कि एस इज इक्वल टू आई ना हो जाए. ये थी आपकी सेकंड सिचुएशन की व्हाट हैपन इफ एस इज लेस देन आई. तो सेविंग कम है, आई ज्यादा है. सेविंग कम का मतलब लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ने इतनी सप्लाई की नहीं थी तो उसका लॉस होगा फॉर नॉट फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द पीपल. सो ही विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने से लोग सेविंग ज्यादा करना शुरू करेंगे और सेविंग बढ़कर वापस आई के इक्वल, इन्वेस्टमेंट के इक्वल पहुंच जाएगी और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा. तो ये थे आपके कंक्लूजन, ठीक है, इन कंक्लूजन को आप ध्यान रखिएगा और इन सिचुएशन को आप परफेक्टली इसकी तरह आप अज्यूम कीजिएगा, ठीक है, तो आपको कंक्लूजन का पता लग जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है थ्री बेसिक अजम्पशन रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी. तो ये जो हमने इक्विलिब्रियम निकाला है दो अप्रोच से, AS is equal to AD approach and S is equal to I approach. तो यहाँ तीन assumption, तीन मान्यताएं ली गई है. पहला assumption देखिए था क्या था, short run analysis. तो chapter का नाम ही short run equilibrium था. तो simple सी बात है, हम short run की बात कर रहे हैं. Short run एक ऐसा period of time होता है where technology is assumed to be constant. Technology is remained constant. यानी कि सारा का सारा जो output होता है वो employment पर depend करता है. Higher the employment, higher the output. Lower the employment, lower the output. क्योंकि टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल व्हाटसोएवर इन शॉर्ट रन पीरियड. लॉन्ग रन पीरियड में तो टेक्नोलॉजी को हम चेंज कर सकते हैं, मशीनों को इंस्टॉल हम कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन पीरियड में हम टेक्नोलॉजी पे को चेंज नहीं कर सकते. तो जो आउटपुट का डिटर्मिनेशन है दैट इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द लेबर या बाय द एम्प्लॉयमेंट. तो शॉर्ट रन पीरियड की बात हम कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी आपकी सेम है और जो आउटपुट है इट इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में वन टू वन रिलेशनशिप है. हायर द एम्प्लॉयमेंट, हायर द आउटपुट. डबल द एम्प्लॉयमेंट, डबल द आउटपुट. ट्रिपल द एम्प्लॉयमेंट, ट्रिपल द आउटपुट. सेकंड है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी. तो आपने देखा यहाँ हम केवल टू सेक्टर की बात कर रहे हैं और दो सेक्टर में केवल कंजप्शन होता है जो हाउस होल्ड करते हैं और इन्वेस्टमेंट होता है जो प्रोड्यूसर करते हैं. ना हमने यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर को काउंट किया और ना हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को काउंट किया है. तो ये जो इक्विलिब्रियम हमने निकाला ये केवल दो सेक्टर इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेकर निकाला गया है जहां पर इकोनॉमी में केवल टू सेक्टर है.
कंज्यूमर सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं माना हमने और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं माना, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएंगे और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर उन्हें इनकम पे करेगा और वो इनकम का कंजप्शन खर्च हो जाएगा। तो दो सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है आपका, दैट एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक यानी कि लोच, और परफेक्टली यानी पूर्ण, यानी पूरी तरह से लोडशील है आपकी एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के लोडशील होने का मतलब क्या है कि सप्लाई को कभी भी रिक्वायर्ड पड़ने पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों बढ़ाया घटाया जा सकता है, बिकॉज देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। शुरू में ही हमने बताया था कि केन्स का मॉडल है और केन्स ने एक्सेस कैपेसिटी का एग्जाम्पल लिया है। भाई एक्सेस कैपेसिटी यानी कि देयर इज अ रिसोर्स विच इज नॉट यूटिलाइज, देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो व्हेनेवर जब भी हम आउटपुट को बढ़ाना चाहें तो एक्स्ट्रा लोगों को काम पर लगाकर एम्प्लॉयमेंट देकर आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। हम एडी के इक्वली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एडी जितने भी एक्सपेंडिचर से एडी इंक्रीज होती है, हम एएस को भी उतने से ही बढ़ा सकते हैं, या एडी अगर घटती है तो हम एएस को भी उससे ही घटा सकते हैं। तो इसीलिए एएस जो यहां पर है, इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक, पूरी तरह से लोडशील है, पूरी तरह से ये डिमांड को रिस्पॉन्स करेगी, एडी को रिस्पॉन्स करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, देयर वर रिसोर्सेज व्हिच इज नॉट यूटिलाइज्ड एट ऑल, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको डिमांड बढ़ने पर सप्लाई बढ़ानी है, आप इजिली बढ़ा सकते हो एक्स्ट्रा लोगों को काम देकर, दैट इज द एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट अजम्पशन थे जो आपको लेकर चलने हैं शॉर्ट रन एनालिसिस के अंदर, ठीक है, इक्विलिब्रियम जीडीपी के अंदर। तो पहला तो शॉर्ट रन ही है, ठीक है, शॉर्ट रन टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट। टू सेक्टर मॉडल है, ठीक है, हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कि एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, इट मींस एएस इज completely responding the demand, completely responding the AD, because there is excess capacity in the economy. If demand is increased, we can easily increase the supply. If demand is decreased, we can easily decrease the supply. ठीक है, थैंक यू वेरी मच।